हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरा नाम है रिजान। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो सिंपल यूट्यूब जो ऐप रहता वो ऐप में डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, ना तो टाइटल लिखते हैं, ना तो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ना तो टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, ना तो यूट्यूब थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। फिर बोलेंगे यूट्यूब वीडियो तो अपलोड कर दिया मैंने, कुछ व्यूज़ ही नहीं आ रहे, कुछ लाइक्स ही नहीं आ रहे, कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे। तो यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका वो रॉन्ग है। तो मैं आज को एकदम जेन्यून और सही तरीका बताने वाला हूँ, यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। सो यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए हमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है यूट्यूब थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल से वीडियो अट्रैक्टिव दिखता है, लोग अपने यूट्यूब वीडियो आकर यूट्यूब वीडियो देखते हैं। और दूसरा है टैग्स। जब हम यूट्यूब वीडियो में टैग्स का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो मैं आज को एकदम प्रैक्टिकली यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू बी गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम रिजोटेक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गोइंग टू स्टार्ट। चलो मैं आज आपको प्रैक्टिकली यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का तरीका बताने वाला हूँ। पहले आपको सिंपली जो नॉर्मल यूट्यूब ऐप है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे प्लस प्लस के सिंबल पर क्लिक करना है। प्लस के सिंबल पर क्लिक करने के बाद अगर आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है तो शॉर्ट पे कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल जो वीडियो होता है वो अपलोड करना है तो अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद में हम एक वीडियो चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये चूज़ कर लिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जो मेरा ये वीडियो है वो व्हाट्सअप मैसेजेस कैसे बैकअप करें उसके बारे में है। तो सिंपली जो यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। पब्लिक लिखा हुआ उसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर अनलिस्टेड क्लिक करेंगे। अनलिस्टेड क्लिक कर हमें यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ नीचे लाइब्रेरी ऑप्शन है, वहाँ दिखा रहा है अपलोड हो रहा है ना। अपलोड होने के बाद हमें कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद में आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। हम आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए YT स्टूडियो, इसका थीम बट यूट्यूब स्टूडियो ऐप है। हमें वो उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें अपना अकाउंट लॉगिन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट था नॉर्मल यूट्यूब ऐप पर वही अकाउंट यहाँ पर भी लॉगिन है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो वीडियो मैं अपलोड करा था नॉर्मल यूट्यूब ऐप पर यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है, देखेंगे प्रोसेसिंग वीडियो। जब प्रोसेस हो जाएगा उसको उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर टाइटल कैसे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल कैसे ऐड कर सकते हैं, सब आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोसेसिंग हो चुका है, अब हमको उस वीडियो पर क्लिक करना है। उस वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर पेंसिल का ऑप्शन दिखा रहा है, वो पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल का ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर टाइटल देनी चाहिए। टाइटल यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स का है, हमें पूरा 100 कैरेक्टर्स यूज़ करना है। जितना भी आपका टाइटल बड़ा होगा उसे बहुत फ़ायदा होगा। आपको टाइटल हिंदी में भी और इंग्लिश में भी देनी चाहिए। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में टाइप करते हैं और हिंदी वाले लोग, बेसिकली बहुत से लोग हिंदी में ही सर्च करते हैं वीडियोस। तो हमें 100 कैरेक्टर्स का टाइटल आपको डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ कि देखिए मैं टाइटल डाल चुका है। ये मेरा वीडियो व्हाट्सअप मैसेजेस कैसे बैकअप करें उस टॉपिक पर है। तो मैं यहाँ पर देखिए हिंदी में भी डाल लिया और इंग्लिश में भी टाइप कर लिया टाइटल। उसके बाद में हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। डिस्क्रिप्शन यानी आपका जो वीडियो किस टॉपिक पर है, आप उस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं, उस वीडियो के बारे में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उस लिंक भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर 5000 कैरेक्टर्स आपको टाइप करने हैं। 5000 कैरेक्टर्स नहीं, आप जितने बोले उतने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कि देखिए मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर लिया है। आप भी ऐसे कर कुछ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल सकते हैं। और अगर आपका कोई वेबसाइट है या कुछ ब्लॉग साइट है, कुछ भी आपका वेबसाइट है तो यहाँ पर उसकी लिंक डाल सकते हैं। उसके बाद में हम बैक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो अनलिस्टेड दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक कर हमें यहाँ अब पब्लिक पर क्लिक करना है। पब्लिक पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे सेलेक्ट ऑडियंस पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑडियंस पर क्लिक कर यहाँ पर फर्स्ट जो नॉट सेलेक्टेड दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करना है पहले। ये क्या है मतलब, इज दिस वीडियो मेड फॉर किड्स, जो ये आपका वीडियो है वो वीडियो छोटे बच्चों के लिए है? नो।
नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पर क्लिक करना है. उसके बाद हमने सेकेंड ऑप्शन है, डू यू वॉन्ट टू रिस्ट्रिक्ट यूर वीडियो टू एन एडल्ट ऑडियंस, ये वीडियो क्या बड़े लोग के लिए है क्या, वो बोल रहा है. तो यहाँ पर क्लिक करना है एस, रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स ओवर 18, जो 18 साल के ऊपर है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, उस पर क्लिक करना है एस. उसके बाद में हमें बैक करना है, बैक करने के बाद हमें यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट अगर आपका कोई प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट है, अदरवाइज लीव इट, डन. उसके बाद में हमें यहाँ पर मेन चीज़, मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्स. तो हमें टैक्स कैसे डालनी है, तो हमें टैक्स कैसे डालना, मतलब अगर आपका वीडियो मेरा वीडियो है व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे बैकअप करे, तो मैं उसके ऊपर डालता हूँ व्हाट्सएप. तो मैं टाइप करता हूँ, देखिए यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ पर टैग्स डाला है, मेरा वीडियो है व्हाट्सएप मैसेज कैसे बैकअप करे. तो जो वीडियो है जो लोग सर्च बॉक्स में जो टाइप करते हैं वो हमें यहाँ पर डालनी है. तो लोग टाइप करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज कैसे बैकअप करे, तो वो एक टैग डाल दिया मैंने, और हाउ टू बैकअप व्हाट्सएप मैसेजेस इन हिंदी, वो भी एक टैग डाल दिया है. अब ऐसे कहकर आप बहुत सारे टैग्स डाल सकते हैं, ये मेन चीज़ है. ये टैग्स डालने से हमें वीडियो वायरल होने के चांसेस बहुत रहते हैं. तो हमें यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है एडवांस सेटिंग, एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है. एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे कैटेगरी, हमारा जो वीडियो है वो किस कैटेगरी में आएगा, उस कैटेगरी को क्लिक करेंगे. तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उस पर क्लिक करेंगे. उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ लाइसेंस एंड राइट्स ओनरशिप दिखाएगा. यहाँ स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे. उस पर क्लिक करने के बाद हमें क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन पर क्लिक करना है. तो उसके बाद में कमेंट्स, अलाउ कमेंट्स पर क्लिक करना है. यूजर्स कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, उस पर भी क्लिक करना है यस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस, अलाउ एम्बेडिंग, ये ऑन भी कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, मैं ऑन कर लिया. चलो देखिए मैं ये सब चीज़ अलाउ कर लिया. उसके बाद में हमें यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ऊपर, उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमारा वीडियो है, वीडियो के लेफ्ट साइड में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके नीचे पेंसिल का ऑप्शन दिखा रहा है, उस पर क्लिक करना है. उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेन चीज़ थंबनेल, थंबनेल क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ. कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है. कस्टम थंबनेल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर हमारा थंबनेल ऐड करना है. फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ मेरा थंबनेल व्हाट्स, ये ऐड कर लेता हूँ. देखिए ये है थंबनेल, व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे बैकअप करें. जब आप कोई, अगर आप वीडियो, अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फोटो दिखता है, जो इंटरफेस वीडियो का इंटरफेस ऐसा दिखता है, व्हाट्सएप मैसेज कैसे बैकअप करें, ये वीडियो किस बारे में है, लोगों को इजी से पता चलता है और अट्रैक्टिव दिखता है, ताकि लोग अपने आपके वीडियो को आकर देखें. तो ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है, मेन चीज़ थंबनेल है और टैग्स का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है सेलेक्ट, सेलेक्ट पर दिखाना है. अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए थंबनेल कैसे बनाना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं थंबनेल कैसे बनाते हैं वो बताता हूँ. उस पर उसके बाद में हमें सेव पर क्लिक करना है. जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे वीडियो पोस्ट हो जाएगा. तो ऐसे अगर अब वीडियो पोस्ट करना है, ऐसे पोस्ट करने से व्यूज आते हैं, लाइक्स आते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं. हेलो गाइस, तो YouTube वीडियो अपलोड कैसे करते हैं मैं आपको एकदम डिटेली एक्सप्लेन कर दिया है, और प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर दिया है. तो मेन चीज़ इसमें है YouTube थंबनेल. बहुत सारे लोगों को YouTube थंबनेल का आइडिया कुछ नहीं है, YouTube थंबनेल कैसे बनाते हैं, YouTube थंबनेल क्या होती है. तो मुझे कमेंट में बताइए YouTube थंबनेल के बारे में, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगा, एकदम प्रैक्टिकली और डिटेल एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल YouTube ऐप रहता है उस पर अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद बोलते हैं ना तो मैं इतना अच्छा वीडियो बनाया, मुझे व्यूज़ नहीं आए, लाइक्स नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए, सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे. तो नॉर्मल यूट्यूब ऐप है उस पर अपलोड करने से वीडियो वायरल नहीं होता है. जो YouTube स्टूडियो ऐप है उस पर अपलोड करने से बहुत सारा फ़ायदा होता है. उस पर हमें YouTube थंबनेल का ऑप्शन आता है. YouTube थंबनेल का ऑप्शन जब आता है जब आपका चैनल वेरीफाई हो जाए. तो आपका चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं मुझे वो भी कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वाला वीडियो उस टॉपिक पर बताता हूँ, YouTube थंबनेल कैसे अपलोड करो. उसके बाद में मैं YouTube चैनल वेरीफाई कैसे करते हैं उस टॉपिक पर भी मैं आपको YouTube वीडियो लाऊंगा. सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो और घंटी को भी दबा दो, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए.